कशिश न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं पटना के बीपीएससी ऑफिस के पास। आपको बता दें कि छात्र लगातार सुबह से हंगामा कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी की गई, छात्रों को समझाया भी गया, मगर अभी तक वो तनाव जारी है। आप देख लें एक बार, आप बिहार लोक सेवा आयोग के सामने का नजारा आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जो पुलिस जो है लगातार छात्रों को हटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस लगातार छात्र को हटाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे सिटी स्थित मौजूद है और आप ब्रिज के आप देख रहे हैं, अब लगातार जो है महिलाओं को भी हटाया जा रहा है, महिलाओं को धक्का दिया जा रहा है, उन्हें लगातार हटाया जा रहा है। साफ तौर पर बोला जा रहा है कि आप लोग हट जाए, मगर छात्र जो है यहाँ पे डटे हुए हैं, छात्र पीछे हटने की लिए रेडी है नहीं। आप प्लस पुल के दूसरी तरफ देख लीजिए, पुल के नीचे ब्रिज के नीचे भी छात्र जो है पूरी तरह से मौजूद है। यहाँ से भगाया गया लाठी चार्ज करके, तो वहाँ ब्रिज के नीचे चले गए हैं। और दूसरी तरफ आपको बीपीएससी ऑफिस है जहाँ पे छात्र पूरी तरह से तैनात है। और आप देख सकते हैं ये नज़ारा, बीपीएससी ऑफिस के बाहर का नज़ारा, किस तरह से जो है पुलिस पूरी तरह से तैनात है और लगातार छात्रों को हटाने की कोशिश कर रही है, मगर छात्र जो है कहीं ना कहीं हटने के लिए तैयार है नहीं। आप देख सकते हैं सिटी इसको खुद मौजूद है, लगातार छात्राओं को हटाया जा रहा है, उन लोगों को मना किया जा रहा है। साफ तौर पर आप देख लें हटाया जा रहा है, छात्र की बहस भी हो रही है लगातार, महिला पुलिसकर्मी द्वारा जो है छात्रों को हटाया जा रहा है, जिस तरह से लगातार बहस चल रही है। ये लोग की यही मांग थी कि परसेंटाइल सिस्टम जो है वो खत्म होना चाहिए और दो शिफ्ट में जो एग्जाम हो रहा है वो दो शिफ्ट का एग्जाम भी खत्म होना चाहिए। यही मांगों के साथ आज पटना की सड़कों पर बीपीएससी के छात्र उतरे थे, मगर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा इन्हें हटाया जा रहा है। यहाँ पे छात्र उनसे मांग करते हैं, आपको थोड़ी देर पहले पुलिस पकड़ के भी ले जा रही थी, ले गई थी और मारी भी गई है। 50,000 छात्रों को तिदिर बितिर कर दी गई, यहाँ पे 2,000 लड़कों को भी नहीं पहुंचने दिया। हिंसात्मक आंदोलन को, ये लोग हिंसात्मक आंदोलन की और तब्दील करने की और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हिंसात्मक कदम नहीं उठा रहे हैं। आज आयोग ने हमें बुलाया था कि आओ हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे, और जब हम लोग आए हैं बात करने के लिए तो हम लोगों पे लाठियां बरसाई जा रही है, मार कर कह रहा है कि सालों को मारो। ये क्या बोलने का मतलब है? बुलाया तो फिर लाठियां क्यों? लाठियां इसी है तो हम पूछना चाह रहे थे, पुलिस प्रशासन से पूछिए आप कि लाठियां क्यों दी जा रही है। हम लोग बात हमारे 31 तारीख को बुलाया गया था, 30 तारीख को नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, ये गलत बात है। पिछले पानी में भी यहाँ तक लोग आया, कितना तरह से लाठी बीच बीच में कई एक बार लाठी चार्ज अरेस्ट किया गया, हमने धक्का मुक्त किया, फिर भी लोग नहीं जाने दिया। बड़ी ये चीज है कि मार के आधा घंटा अंदर, अगर हम लोग गलती बस ये है ना कि बीपीएससी के स्टूडेंट्स जो मौलिक कर्तव्य जानते हैं, अगर इतना पढ़े लिखे नहीं रहते ना, पुलिस का भी अपना नेम प्लेट क्यों हटा रहे हैं? नेम प्लेट क्यों हटा रहे हैं अपना? यदि न्यायिक कार्य कर रहा है तो वो अपना नेम प्लेट लगाए, प्लेट हटा के पुलिस मार रही है। किसी ने पुलिस कर्मचारी का दिखा गिरफ्तार किया गया, हमको 5 मिनट में छोड़ दिया जब कानून पढ़ाने लगे थे। ये सब जो है गलत कर रहा है, क्योंकि अगर बात किया जाता है तो लोग पीछे हट जाता है। आप लोग काफी भारी मात्रा में भी यहाँ पहुँचे थे, 10,000 के करीब पहुँचे। 26 तारीख को मेरा नाम अर्चना कुमारी हुआ सर, 26 तारीख को मैं प्रोटेस्ट में आई थी। उसके बाद जब मैं प्रोटेस्ट की तो हम लोग 5 प्रतिनिधि के रूप में जो है हम लोग मिले थे चेयरमैन से, जिसमें मैं भी थी अर्चना कुमारी। उसके बाद मुझे आश्वासन ये दिया गया कि परसेंटाइल को मैं हटा दूंगा और 2 शिफ्ट में जो एग्जाम है उसको जो है क्या करेंगे कि हम कानूनी सलाह लेंगे, क्योंकि हम लोग अथी रखे प्रस्ताव रखे मुझे प्रस्ताव ये रखना था कि अगर बच्चे जो है, क्योंकि नोटिफिकेशन में 1 पाली में एग्जाम लेने की बात कही गई है, यदि बच्चे कोर्ट में जाएंगे तो ये मामला लंबा समय तक लटक सकता है। और एक चीज मैं खुद खुलासा करना चाहती हूँ, अतुल प्रसाद अपने मुंह से बोले। यहाँ देखिए सर, किसी के पास, किसी सिपाही, किसी पुलिस के पास अपना नेम प्लेट नहीं है। देखिए इनके पास भी नेम प्लेट नहीं है, इनके पास भी नेम प्लेट, साफ तौर पे इनके पास अपना नाम प्लेट नहीं है। इनके पास नेम प्लेट नहीं, नेम प्लेट कहाँ है आपका? नेम प्लेट, नेम प्लेट कहाँ है? नेम प्लेट कहाँ है? नेम प्लेट कहाँ है आप लोगों का? नेम प्लेट कहाँ है? देखिए यहाँ पे साफ तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस के पास जो है नेम प्लेट भी नहीं लगा हुआ है और लगातार छात्रों को जो है मारा जा रहा है। आपको हमने दिखाया कि नेम प्लेट भी नहीं है, मगर छात्रों पे लगातार जो है लाठियां चलाई जा रही है। छात्रों को यही मांग है साफ तौर पे कि जब आयोग ने इन्हें बुलाया है बात करने के लिए तो फिर लाठियां क्यों चलाई जा रही है? जब पुलिस से पुलिस से हमने बात करने की कोशिश की कि आपका नेम प्लेट कहाँ है, तो पुलिस भी जवाब देने से मुकर रही है और भागती नजर आई पुलिस भी। आप देख सकते हैं किस तरह से छात्रों को जो है पुलिस के द्वारा दौड़ाया जा रहा है, छात्र लगातार भाग रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ पे आप देखें, इनके पास भी नेम प्लेट नहीं है, नेम प्लेट बिना लगाए हुए, नेम प्लेट इनके वर्दी पे है नहीं, और लगातार जो है छात्रों पे लाठियां चला रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं कि बिना नेम प्लेट के जो है पुलिस छात्रों पे लाठियां चला रही है। जब हमसे सवाल कर रहे हैं तो हमें बोला जा रहा है कि आप लोग जाइए,
देख लें किस तरह से छात्रों पे जो है लगातार जो है पुलिस लाठियां चला रही है, बिना नेम प्लेट के छात्रों को मारा जा रहा है। छात्रों का साफ तौर पे कहना है जब आयोग ने बुलाया था बात करने के लिए तो लाठियां क्यों? आप देख लीजिए रोड पे किस तरह से जो है चप्पल बिखरा हुआ है, लगातार जो है छात्र अपनी मांगों को लेकर उतरे थे। यहाँ पे आप देख लें किस तरह से छात्रों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। ये चप्पल उनकी गवाही देगी कि किस तरह से छात्रों को लगातार दौड़ा के मारा गया है। आपको सुबह से हम दिखा रहे हैं किस तरह से छात्रों और पुलिस के बीच लगातार जो है कार्रवाई चल रही है, लगातार जो है पुलिस हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर छात्र भी कहीं ना कहीं मान नहीं रहे हैं और पुलिस भी लाठी चार्ज कर रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस के वर्दी पे नेम प्लेट क्यों नहीं है? आखिर बिना नेम प्लेट के पुलिस को कैसे पहचाना जाएगा? हाथ में लाठियां लेकर कोई भी अज्ञात लाठियां चला सकता है, और नेम प्लेट के लिए जब हम बात से जाइए। इसी तरह की खबरों के साथ अब हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।